नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं फ्लिपकार्ट की एक और नई सेल के बारे में, जो कि दोस्तों 2 मई से यानी कल से स्टार्ट होने वाली है। बट दोस्तों, जिन लोगों के पास फ्लिपकार्ट की प्लस मेंबरशिप है उनके लिए ये सेल आज से स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, इस सेल में हमें क्या अलग देखने को मिलता है, क्या नया देखने को मिलता है, वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि फ्लिपकार्ट पर सेल तो आती रहती हैं, बट दोस्तों ये जो सेल है इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिलता है कुछ स्मार्टफोन के ऊपर। तो आज मैं आपसे इसी बारे में बात करूंगा और आपको बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा कि हमें कौन से स्मार्टफोन हैं जिनके ऊपर हमें काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट देने को मिल रहा है, जो दोस्तों आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होंगे। और दोस्तों, आपको कोई ऐसा फ़ोन चाहिए जो 3-4 साल तक आप चलाना चाहते हो, तो आपके लिए वो भी फ़ोन आपको इस सेल में मिल जाएगा। तो उससे वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर पहली बार आई हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बैग दबा दें, जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जी देखिए, ये फ्लिपकार्ट की मेरी एप्लीकेशन पे आपको मोबाइल वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ दोस्तों देखिए, ये यहाँ पर दिख रहा है कि फ्लिपकार्ट की बिग सेविंग डे सेल, जो दोस्तों 2 मई से और 7 मई तक चलने वाली है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमें काफ़ी सारे स्मार्टफोन इनके ऊपर ऑफर देखने को मिल रहा है, बट कुछ स्मार्टफोन ऐसे हैं जो हमारे लिए वैल्यू फॉर मनी है। तो सबसे पहले बात करें सबसे पहले डील की, तो दोस्तों जी आती है सैमसंग के ऊपर। सैमसंग का दोस्तों F62, जो दोस्तों एक सैमसंग का स्मार्टफोन है, ये स्मार्टफोन आपको इस सेल के अंदर 18,000 रुपये का देखने को मिल जाएगा। वहीं दोस्तों इस सेल में हमें ये देखिए HDFC बैंक का डिस्काउंट देखने को मिलता है 10% का। तो जब आप इसे लगाओगे, यानी दोस्तों इस फ़ोन को आप HDFC बैंक के कार्ड से खरीदोगे, तो आपको समथिंग 1,000 रुपये का डिस्काउंट देखने को और मिल जाएगा अलग से। तो ये फ़ोन आपको 17,000 रुपये के आसपास पड़ सकता है, जो कि दोस्तों मैं कहूँ काफ़ी अच्छी डील है सैमसंग के स्मार्टफोन के ऊपर। दोस्तों अगली डील की बात करें तो जी आती दोस्तों Poco X3 के ऊपर, जो आपको मिल रहा है 14,500 रुपये का इस सेल के अंदर। 14,500 रुपये प्लस दोस्तों HDFC बैंक का जो डिस्काउंट है वो, तो ये फ़ोन आपको 13,500 रुपये का समथिंग पड़ सकता है। ये दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है, अगर आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जिसकी बैटरी काफ़ी बड़ी हो और दोस्तों प्रोसेसर काफ़ी अच्छा हो, स्नैपड्रैगन 732G, तो दोस्तों आप इस फोन पर जा सकते हो 14,500 रुपये में, 13,500 रुपये में समथिंग यही इसकी प्राइस होने वाली है। अगली डील की दोस्तों बात करें तो वो आती है दोस्तों, ये देखिए रियलमी के काफ़ी ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं, रियलमी के भी हैं और दोस्तों ओप्पो के भी हैं, बट दोस्तों आप इन्हें छोड़ सकते हो। अगली डील है दोस्तों सैमसंग गलेक्सी F41। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है, जिन लोगों को ज़्यादा हैवी यूज नहीं करना होता, ज़्यादा सो गेमिंग नहीं करनी होती, उनके लिए काफ़ी अच्छा फ़ोन है। इसका बेस वेरिएंट 6GB वाला, 64GB वाला आपको 13,000 रुपये का पड़ जाएगा। और अगर आप HDFC बैंक कार्ड से खरीदते हो तो ये आपको समथिंग 12-12.5 का पड़ जाएगा, जो दोस्तों मैं कहूँ काफ़ी अच्छी डील है 12.5 हज़ार रुपये के अंदर। अगली डील है दोस्तों रेडमी के, ये दोस्तों ये Poco M2 Pro के ऊपर, जो दोस्तों 128GB वाला वेरियंट जो आपको मिल जाएगा 14,000 रुपये का। बट दोस्तों आप इसका पेमेंट करते हो HDFC बैंक कार्ड से तो ये मिल जाएगा आपको दोस्तों 12.5 हज़ार या 13,000 रुपये का समथिंग। अगली डील दोस्तों मैं आपको एक ऐसी बताने वाला हूँ जो दोस्तों काफ़ी धमाकेदार है इन फ़ोन के मुकाबले, क्योंकि दोस्तों जो ही फ़ोन मैंने अभी आपको बताए हैं वो सब सारे फ़ोन 4G फ़ोन है। बट दोस्तों अभी मैं आपको जो डील बताने वाला हूँ वो दोस्तों 5G फ़ोन के ऊपर। तो दोस्तों ये देखिए, अभी दिखाता हूँ आपको, ये देखिए दोस्तों सबसे अच्छी और धमाकेदार डील दोस्तों आ रही है रियलमी के X50 Pro फ़ोन के ऊपर, जो दोस्तों एक 5G फ़ोन है। और दोस्तों सबसे पहला जो 5G फ़ोन इंडिया में आया था वो यही फ़ोन था, जिसकी प्राइस दोस्तों समथिंग 35-36 हज़ार रुपये थी। बट दोस्तों ये फ़ोन आपको इस सेल के अंदर सिर्फ 25,000 रुपये में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों 25,000 रुपये में हमें रियलमी का X50 Pro, जो दोस्तों एक फ्लैगशिप फ़ोन है, और दोस्तों आप इसका पेमेंट अगर HDFC बैंक के कार्ड से करते हो तो जी आपको 25,000 से कम कीमत में मिल जाएगा, जो दोस्तों काफ़ी अच्छी डील है। आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जिसमें दोस्तों डिजाइन काफ़ी अच्छी हो, 5G फ़ोन हो, प्रोसेसर काफ़ी अच्छा हो, बिल्कुल भी लैगिंग ना करे, और कैमरे के मामले में दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन हो, तो आप इस फ़ोन से जा सकते हो, आपको इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली किसी भी एंगल से। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी डील है 25,000 रुपये में, और अगर बैंक कार्ड का डिस्काउंट लगाओगे तो जी और कम का मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं अगली डील की, जिन लोगों को सिर्फ एक ऐसा फ़ोन चाहिए होता है जो एप्पल का फ़ोन हो, आईफोन हो, तो आप ले सकते हो iPhone 11। दोस्तों ये फ़ोन आपको मिल जाएगा 45,000 रुपये का इस सेल के अंदर, और दोस्तों अगेन कार्ड डिस्काउंट लगाओगे तो ये और भी कम का मिल जाएगा। दोस्तों आपने देखा होगा कि एप्पल का ये फ़ोन अगर आप इसे एप्पल स्टोर से जाकर लेते हो तो ये आपको 50,000 रुपये समथिंग मिलता है, बट दोस्तों ये फ़ोन आपको
तैंतालीस साढ़े तैंतालीस या 44,000 रुपये समथिंग मिल रहा है इस सेल के अंदर। तो दोस्तों आप इसे बिल्कुल भी मिस ना करना अगर आपको एक एप्पल का फ़ोन चाहिए होता है तो। दोस्तों यही थे वो कुछ फ़ोन जिनके ऊपर मैं आपको ये वीडियो बना के बता रहा हूँ। और दोस्तों एक फ़ोन और है जो है IQ3। दोस्तों ये फ़ोन भी काफ़ी अच्छा है, इसमें भी दोस्तों हमें मिलता है स्नैपड्रैगन का 865। दोस्तों ये फ़ोन भी आपको 25,000 रुपये समथिंग मिल जाएगा। बट दोस्तों अगर आप इसे लेना चाहते हो तो इससे दोस्तों इस फ़ोन से काफ़ी अच्छा बेटर फ़ोन है ये वाला रियलमी X50 Pro, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए बार बार लेके आता रहता हूँ। दोस्तों काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना पाई थी मैंने, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था अपने काम को लेके। बट दोस्तों उम्मीद आगे से कोशिश करूँगा कि आपके लिए बार बार डेली एक वीडियो बना सकूँ।